नाम लेते लेते आज भी जहाँ कहीं राम का महिमा होता है तो हनुमान बाबा का भी ध्यान है। और बताते हैं हनुमान जी के बिना राम का नाम नहीं और राम बिना हनुमान नहीं। तो ऐसे भगवान हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हर एक घट के वासी जो चाहा सो चाखा। तो कल की कथा में रुकी थी हमने देखे कि किस भाव से तुलसीदास जी जय विजय की कथा सुनाते हैं और भोले शंकर भगवान यही गाथा पार्वती मैया को बता रहे हैं कि भाव से हमारे परमात्मा नाते हैं। एक बार बताते हैं स्वयं असमंजस में पड़ जाते हैं जब नारायण भगवान आकर उनके सहारा बन जाते हैं। और इस कथा से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बताते हैं कि जय विजय जो है नारायण के भक्त हुए थे और आज वही भक्त बनकर भी द्वारपाल बनकर भी ऐसे गति होती है। बताते हैं जब अभिमान चढ़ जाता है तो दूसरों को परम अपमान करने लगते हैं प्राणी। जैसे जैसे अभिमान चढ़ता है प्राणी दूसरों को अपमान करता है। और आज जय विजय ऋषि गणों के अंदर जाने नहीं दिए, भगवान को मिलने नहीं दिए, तो क्या होता है सीधे श्राप मिल जाता है और श्राप मोचित कर देते हैं। अब बताते हैं छल करे तारे उतात व्रत, छल करे तारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज कीने। हमारे नारायण भगवान जो संतों के हित के लिए देवताओं के हित के लिए कार्य करते हैं और उधर छलिया नाम पड़े वो बताते हैं छल करिए। और फिर जब ते जानो मरम तब साप कूप कर ली, जब तुम जानते हैं कि हमने कूटे किए हैं तो श्राप भी मिल जाए तो अपने आप ले लेते हैं। तो उसमें कोई बताते हैं कोई वैसा वो नहीं है कि क्यों श्राप किया, क्यों हमने श्राप को अपने पक्ष में ले लिया, परंतु हमारे परमात्मा ऐसे आते हैं। और यही कथा कल मैं वृंदा को तुलसी हेतु होने की कारण बताए थे। और नारायण भगवान जो है शालिग्राम होते हैं और यही विधि अब इधर पार्वती मैया को लक्ष्मी माता भी शिक्षित कर देते हैं और विष्णु को उसकी स्त्री छलने की प्रेरणा कर देती है। चलिए हम आज एक नया प्रसंग लेकर चलेंगे कि और कौन कारण है कि हमारे परमात्मा को आना पड़ा। कथा वहीं से आगे बढ़ चलो I'm gonna make you mine.
जलंधर रावण भयो और रन हती राम परम पद दयो।